বাহিরা বাংলা নিউজ, সততার সাথে মানবতার স্বার্থে। सर जो चेंजेस के लिए आप सोच रहे हो, आप बोल रहे हो ब्लैक मनी, करप्शन जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद जो जो रॉन्ग कमिटमेंट चल रहा है इसमें, बेसिकली आपको एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर कोई चेंजेस आप ला पा रहे हो तो क्या क्या कमिटमेंट है टुवर्ड्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? आज हमारे देश को एक नया विकल्प का, न्यू अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। हर तरफ लोग जो है सहमे डरे हुए हैं, हर तरफ भ्रष्टाचार करप्शन है, लोग लूट रहे हैं, देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है, लोग काला धन लाने की बात कर रहे हैं, और जितने भी बड़े जो दबंग लोग हैं, जो बड़ी पार्टियां बना बना के हैं, वो अपनी ऑफिस 4,000-5,000 करोड़ की ऑफिसेज बना रहे हैं, कॉरपोरेट हाउस हो गया है, कंपनियां जितने भी जो हमारे पार्टी हैं वो कॉरपोरेट हाउस हो गया, जबकि उनको सेवा करना चाहिए। एक तरफ कहते हैं चौकीदार हूँ मैं, एक तरफ कहते हैं सेवक हूँ मैं, तो सेवक की तरह रहना चाहिए ना भाई। आप जो है चौकीदारी किसकी कर रहे हो? हमारे जो स्लम में हैं, हमारे जो छोटे छोटे घरों में बाड़ी में रह रहे हैं, उनकी चौकीदारी आप कर रहे हो? वो तो बेचारे नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। आप चौकीदारी बड़े देश की बात कर रहे हो, तो देश की भी हमारे सुरक्षा में नहीं है? आज हर तरफ जो है हमारे जवान मरे जा रहे हैं, डेली मर रहे हैं, एक बार मरता हंगामा हो जाता है, लेकिन ये जो रोज़ मर रहे हैं हमारे सेना जो है, उसकी क्या हो रहा है? तो करप्शन की जो बात है, करप्शन तभी ख़त्म होगा जब सुशासन होगा। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस जब होगा, और इसीलिए मैं खास करके जो भारत के अंदर 47% यूथ हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि मेरे यूथ, मेरे जवान, आप लोग जागो। आपको एक बार फिर से जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने, जिस तरह से खुदीराम ने, जिस तरह से हमारे भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने हमारे देश को आज़ाद किया था, उन्होंने लड़ा था, क्रांति फैलाया था, आपको भी देश को फिर से एक नया भारत बनाने के लिए, नया विकास करने के लिए आपको एक क्रांति करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और इसकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं सफलता कहाँ तक मिलती है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे भारत के विभिन्न हिस्सों में हो, हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। करप्शन तभी ख़त्म होगा जब हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल जाएगा, हम लोग कमाने धमाने लगेंगे, हर के हाथ में जब काम होगा तो वो कोई भी गलत आदमी गलत नहीं करेगा, और जो बड़े लोग कर रहे हैं वो उनकी आय से अधिक का जो कानून है उसके दरमियान आएंगे, और वो फंसेंगे, और उनको हम लोग दबोच लेंगे, और जो गलत कर रहे हैं उस पर रोक लगेगी। और इसीलिए जो बार बार मैं हम आप लोगों को कह रहे हैं कि अहरा नेशनल पार्टी जो मानवाधिकार पर आधारित है, वो मानवीय मूल्यों को बनाने के लिए, मानव को संभालने के लिए, समाज को सुधारने के लिए हम लोग कदम उठाएं, और ये कदम लगातार चलेगा। हमारे मुझे विश्वास है कि नौजवान और विभिन्न क्षेत्र के, विभिन्न सेक्टर के लोग, औरतें हों या मर्द हों, हमारे साथ चलेंगे। बस एक आवाज़ देने की ज़रूरत है, उन तक आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत है, उसकी सफलता मुझे मिलेगी, मुझे विश्वास है। कि जो चेंजेस के लिए बीजेपी गवर्नमेंट क्लेम कर रहे थे, एक तो डिमोनेटाइजेशन का, और एक आपका जीएसटीज में जो इम्प्लीमेंटेशन किया है, आपको क्या लग रहा है डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद इंडिया का कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? आज जितने भी हमारे सरकार हैं वो तनाशाह की तरफ जा रहे हैं, अपनी मर्जी से, जनता से व्यूज नहीं लिया जाता, और वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। जीएसटी का स्लेब जो है जिस तरह से रखा गया है वो गलत है, वो जो है कम होना चाहिए, ताकि दबाव हमारे छोटे छोटे मंझोले या छोटे जो व्यापारी हैं उस पर बोझ ना पड़े, जनता पे जो कस्टमर हैं उन पे बोझ ना पड़े। ये लोग मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, जिससे हमारा छोटा छोटा व्यापार, मंझोला व्यापार, मीडियम टर्म का जो इंडस्ट्रीज है वो सब ख़त्म हो रहे हैं, और हम बेरोज़गार ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हमारी बंद हो रही है, और कुछ खास कॉरपोरेट हाउस को फ़ायदे पहुंचाए जा रहे हैं, तो इससे देश नहीं चलेगा। तो ये मॉडर्नाइजेशन की, नया कंट्री आएगा, साइनिंग कंट्री होगा, सब कुछ होगा, नियत साफ़ होनी चाहिए हमारे काम करने का, हमारे काम करने का जो है एक सादगी होनी चाहिए। जो भारत से बाहर जो फंड जाता है, जो काला धन है, जो बहुत सारे जो मालिया हों, चाहे वो नीरव मोदी हों, ऐसे तमाम लोगों को लाना चाहिए। और मेरी एक और मांग है कि इंडिया के अंदर अगर करप्शन ख़त्म करना है, इंडिया के अंदर ब्लैक मनी लाना है, अगर मॉडरेटेशन करना है, तो आप एक जो है स्विट्जरलैंड की तर्ज पर इंडिया के अंदर एक बैंक बना दो, यहाँ पैसे होंगे, हम उसे विकास करेंगे, और बाहर विदेशों को हम लोन देंगे, तो हमारा तरक्की और देश कर सकता है। तो एक बहुत सारे हमारे पास आइडियाज़ हैं, बहुत सारे हमारे
परियोजनाएं हैं। हमारे अहरा नेशन पार्टी का नेशनल मैनिफेस्टो में 1 to 47 हमने पॉइंट्स रखा है, हर देश के हर विभाग के लिए, चाहे नौजवान हो, जवान हो, किसान हो, चाहे कृषि हो, चाहे वो हमारा सुरक्षा से जुड़ा हुआ, हम तमाम मुद्दों को रखा। आप उसको बाद में पढ़ लीजिएगा, हम अभी आपको, वो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हमने नौजवानों पे ज़्यादा फोकस किया है। नौजवानों को हमें भीख नहीं चाहिए, मैंने बार बार कहा है कि हमें सरकार से किसी से भीख नहीं चाहिए, रोज़गार का कार्ड चाहिए। हमें शांति से रहने की ज़रूरत है। हमें कोई मुफ्त में कोई पासा देता है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुफ्त में जो पासा दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी जनता का टैक्स का पैसा है, वो अपने पासा तो दे नहीं रहे। अगर आज कांग्रेस ने अनाउंसमेंट किया कि 72,000 देंगे जी, तो वो 72,000 कहाँ से देगा? जनता का पैसा देगा। तो जनता का पैसा दे करके तुमने क्या तीर मार लिया? तुम उसका क्रिएट करो, कुछ एक इंटरप्रेन्योर्स करो, कोई इंडस्ट्री को डेवलप करो, बिजनेस को डेवलप करो, नौजवानों को नौकरी दो, विकास करो, रोड बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करो, हॉस्पिटल ठीक करो, तो सभी कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये हमारी अहरा नेशनल पार्टी का, चूँकि अभी हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, अभी हम सरकार नहीं बना रहे, लेकिन हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और इसी को अगर हमारे सभी ने साथ दिया, जनता ने, तो एक दिन हम सरकार भी बना के दिखाएंगे। सर अब पॉलिटिकल छोड़ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये इतने बिजी शेड्यूल्स में, इतने गर्मी में आप मतलब काफ़ी स्टेट्स में ट्रैवल कर रहे हो फॉर ये कैंपेन के लिए, किस तरह से हैंडल कर रहे हो सारे, मतलब अपना रूटीन कैसे बना रहे हो? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैंने 31 वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे, IAS CA लॉ सभी चीज़ को छोड़ कर करके समाज की सेवा के लिए मैं निकला हूँ। और जो समाज की सेवा का जो बीड़ा उठाता है वो गर्मी सर्दी बरसात को नहीं देखता, वो तो एक जुनूनी होता है। और हम लोग, हमारे मानवाधिकार के अहरा से जुड़े हुए जो बंगाल के और कलकत्ता के हमारे जो साथी हैं सारे, चाहे वो अर्णव ब्रूमो हों, चाहे सुनील मंदाने जी हों, चाहे हमारे अन्य सभी साथी हों, सोमे लीला जी हों, चाहे हमारे संतानुदा हों, चाहे खालिद पाशा हों, ये सब जुनूनी लोग हो गए हैं। अब ये ह्यूमन राइट्स के से बाहर नहीं जा सकते, ये मानवता के लिए सोच रहे हैं, मानवीय मूल्यों के लिए सोच रहे हैं, इन्हें करोड़पति नहीं बनना, लाखपति नहीं बनना है। इसलिए हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, गर्मी लगती है, लगती ज़रूर है चूँकि मानव है, कहीं डर भी लगता है, कई जगह ऐसा लगता है कि कोई अटैक ना कर दे, कहीं हम गिर ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन हम लोग अपने धुन में काम कर रहे हैं, इसलिए गर्मी का एहसास नहीं करते, सर्दी का एहसास नहीं करते, बरसात का एहसास नहीं करते। लगातार मैं साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र सब जगह जा रहा हूँ, और पिछले 4 दिनों से मैं आपके बंगाल में लगातार सड़कों पे, गाँव में, देहात में घूम रहा हूँ, और लोगों से अपील कर रहा हूँ कि मेरे बंगाल के साथियों, आप जाग जाओ, जनता जागेगी तो सिस्टम बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, आपकी ज़रूरतें बदलेगी, और आने वाला दिन जो हमारे नौजवान, हमारे जो बच्चे हैं, शायद हमें ना मिले, लेकिन आने वाले हमारे नौनिहाल बच्चे हैं जिनको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन होगा तो ज्ञान होगा, उसको आगे बढ़ेगा और वो कमाने लगेगा। तो हमें एजुकेशन पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, और इसलिए हम लोग बंगाल के तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मिलेगा। आज के हमें कथा बोले निलाम आईरार नैशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर एम यू दुआर साथे, उन्नी वनर वाइटल टाइम हमें दिए कि बक्तव्य रखार चेष्टा करल, आज के भारतवर्षे जे जिसगल चेंजेस दरकार, जगह उन्नी फोकस कर इलेक्शन परवर्तकाले जदि वन कोकम पजिटिविटी देखा जाए, से क्षेत्र में कौन चेंज वनारा आनते चान। सर थैंक यू आपको टाइम देने के लिए, अगेन अर्घ आईरा बांगला। Like, subscribe for more information and news, and click the bell icon for notifications. Ahira Bangla News.